एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं आप सबके लिए इंग्लिश की क्लासेस लेकर आई हूँ, जिसमें मैं आपको पढ़ाने वाली हूँ टेंस। और टेंस से मैंने इसलिए स्टार्ट किया है क्योंकि टेंस जो है, अगर आप एकेडमिक सेशंस में हैं तो भी आपके लिए बहुत इम्पोर्टेंट है, और अगर आप किसी कॉम्पिटिशन की तैयारी कर रहे हैं तो भी आपको टेंस अच्छे तरीके से आनी चाहिए। और अगर आप स्पोकन के लिए, स्पोकन के पर्सपेक्टिव से तो इम्पोर्टेंट ये हो ही जाता है। और मैंने देखा है कि बच्चों को इतनी प्रॉब्लम रहती है टेंस में, वो कंफ्यूज रहते हैं, और कभी कभी तो इतना कंफ्यूज रहते हैं कि उन्हें ये पता नहीं चल पाता, वो बोलते हैं कि मैं पहचानूं कैसे टेंस को। तो मैंने सोचा कि इस वीडियो में मैं पहले आप सबको क्लियर करूं कि टेंस होता क्या, एकदम बेसिक तरीके से एडवांस तक मैं पूरा ही समझाऊंगी, इसलिए आप वीडियो को पूरा ही वॉच करो। और हाँ, अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें, लाइक करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। तो चलिए क्लासेस स्टार्ट करते हैं। देखिए, किसी भी क्लास को, किसी भी चैप्टर को पढ़ने के लिए, चाहे आप इंग्लिश कर रहे हैं, साइंस कर रहे हैं, एसएसटी कर रहे हैं, किसी भी चैप्टर को समझने के लिए आपको क्या है, सबसे पहले आपको ये समझना होता है कि उससे वर्ड्स के मीनिंग को समझना होता है। तो जैसे आप टेंस स्टार्ट कर रहे हो तो सबसे पहले आपको उसके पार्ट्स वगैरह समझने से पहले आपको ये पता होना चाहिए कि टेंस होता क्या है। तो चलिए मैं वहीं से स्टार्ट करती हूँ। एक्चुअली टेंस इज द फॉर्म ऑफ वर्ब दैट गिव्स द रिलेशंस बिटवीन टाइम एंड एक्शन। टेंस जो है, वर्ब का एक ऐसा फॉर्म है जो कि आपको टाइम और एक्शन, इन दोनों के बीच में रिलेशंस को बताता है। और रिलेशंस के साथ साथ आपको मैं ये भी समझाऊंगी कि आखिर इनके बीच में डिफरेंस क्या है। कई बच्चे टाइम को ही टेंस समझ बैठते हैं, तो नहीं, बोथ आर डिफरेंट। दोनों ही क्या है, डिफरेंट है। टाइम जो है, टाइम इज द ड्यूरेशन ऑफ द वर्ब। टाइम जो है आपको किसी वर्क का ड्यूरेशंस को बताता है, और जो एक्शंस है, एक्शन इज द वर्क डन। एक्शन जो है, कोई काम जो पर्टिकुलर हो रहा है वही आपका एक्शन हो जाता है। तो देखिए मीनिंग क्या हुआ फिर टेंस का, टाइम और एक्शन को तो समझ लिया, लेकिन टेंस क्या है, क्योंकि चैप्टर तो पढ़ना, टाइम टेंस स्टार्ट किया है। तो टेंस देखिए, टेंस गिव्स द टाइम व्हेन द एक्शन इज डन। टेंस उस टाइम के बारे में बताता है कि एक्शंस किस टाइम में हुआ है, क्या वो प्रेजेंट टाइम था, क्या वो पास्ट टाइम था, क्या वो फ्यूचर टाइम होने वाला है, इनके बारे में बताता है। तो चलिए अब आपको मैं समझाना स्टार्ट करती हूँ कि टेंस के पार्ट्स कितने हैं। बेसिकली बच्चे बोलते हैं, जब भी मैं पूछती हूँ कि टेंस कितने पार्ट्स है टेंस के, तो वो कहते हैं कि तीन पार्ट्स है। नो, तीन पार्ट्स नहीं, थ्री पार्ट्स नहीं है इनके। इनके क्या है, इनके सब पार्ट्स भी हैं। और आप एकदम ही, अगर एक बात समझ लो कि अगर आपने प्रेजेंट टेंस को अच्छे तरीके से कर लिया तो पास्ट एंड फ्यूचर को भी समझने में आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाला है। इसलिए आपको ध्यान से वीडियो को वॉच करना है। तो चलो स्टार्ट करते हैं कि प्रेजेंट, देयर आर थ्री पार्ट्स ऑफ टेंस, पास्ट, प्रेजेंट एंड फ्यूचर। सब पार्ट्स बाद में पढ़ेंगे, पहले ये समझ लें कि प्रेजेंट क्या है, प्रेजेंट टाइम क्या है, प्रेजेंट टेंस क्या है। तो प्रेजेंट क्या हुआ, द टाइम दैट इज नाउ, वो टाइम जो अभी है वो आपका कहलाता है प्रेजेंट टाइम। तो मींस क्या हुआ कि जैसे एग्जांपल है, आई एम टीचिंग यू, मैं अभी आपको इंग्लिश पढ़ा रही हूं, ये क्या है आपका, ये प्रेजेंट टेंस में आपका। अब पास्ट क्या हुआ, तो द टाइम दैट हैज पास्ट, ऐसे टाइम जो बीत गया, जैसे मैंने आपको कल करंट पढ़ा दिया, तो आई टॉट यू, तो टॉट यू तो मैंने कल पढ़ा दिया आपको, तो वो आपका पास्ट बन जाता है। और मैं आपको कल भी पढ़ाऊंगी, तो ये कि आई विल टीच यू टुमारो मींस द टाइम दैट इज येट टू कम, वो टाइम जो आने वाला है, जो खत्म नहीं हुआ, वो आपका फ्यूचर टेंस में आ जाता है। अब देखिए, जो इच टेंस है, इस टेंस हैज अ डिफरेंट मीनिंग। हर टेंस का आपने देखा कि अलग अलग मीनिंग्स है, वो क्यों है, बिकॉज द रीजन इज दैट इच टेंस हैज अ डिफरेंट फॉर्म ऑफ वर्ब। हर टेंस का अलग अलग क्या है, फॉर्म है। अलग अलग फॉर्म मीन्स आप समझे, आप देखिए जो वर्ब है ना, वर्ब के टोटल 5 फॉर्म्स होते हैं, उसके फॉर्म्स को समझना बहुत जरूरी है। 5 फॉर्म्स में से क्या आपको 5 का 5 फॉर्म्स याद रखना है, नहीं, बिल्कुल नहीं, आपको सिर्फ 3 फॉर्म्स याद रखना है टेंस का, फर्स्ट फॉर्म, सेकेंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म। फोर्थ और फिफ्थ फॉर्म को लर्न नहीं करते, वो इसलिए नहीं करते क्योंकि हर एक फोर्थ फॉर्म में क्या होता है, आपका आईएनजी लगता है,
वर्ड हो उसमें ing और फिफ्थ फॉर्म में s लगता है या फिर es लगता है। अब देखिए एक चीज इंपॉर्टेंट बन जाता है आपका, कभी कभी आप देखोगे जैसे अपने सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट में देखोगे सिंगुलर सब्जेक्ट टेक्स द सिंगुलर वर्ब एंड प्लूरल सब्जेक्ट टेक्स प्लूरल वर्ब, ऐसा होता है। तो इसका मतलब कई बार बच्चे ये कंफ्यूज हो जाते हैं कि सिंगुलर सब्जेक्ट है कौन सा और प्लूरल सब्जेक्ट कौन सा है, किसके साथ हमें कैसा, कौन सा सिंगुलर वर्ब है और कौन सा प्लूरल वर्ब है। तो आप समझ ले जो मेन फॉर्म होता है ना, जो फर्स्ट फॉर्म होता है वर्ब का, वो आपका प्लूरल फॉर्म में होता है, और जो फिफ्थ फॉर्म होता है मींस कि जिसमें एस या फिर ई एस का आप यूज कर रहे हैं वो आपका सिंगुलर बन जाता है। जनरली आप कंफ्यूज होगे क्योंकि आपने देखा है हमेशा कि जब भी वर्ड्स में एस लगता है या ई एस लगता है तो वो आपका बन जाता है प्लूरल, लेकिन वो याद रखना है आपको वो हमेशा नाउन के केस में होता है लेकिन वर्ब के केस में अलग है। वर्ब में क्या है कि आपका जो फिफ्थ फॉर्म है जब वो आपने उसमें एस या फिर ई एस लगा दिया वो आपका बन जाता है सिंगुलर। तो आपको ये माइंड में बिल्कुल ही रखना है। अब देखो, अब मैंने बोला कि अराइज, अराइज क्या है, अराइज अपने जो फर्स्ट फॉर्म में है ना तो वो क्या है, वो प्लूरल फॉर्म में है अपना। अब इसका तीन फॉर्म याद रखना आपको, अराइज अरोज अराइजन, ठीक है। अब क्या होता है फोर्थ फॉर्म में, मैंने आपको क्या बोला कि आईएनजी का यूज करना है तो आप उसको बोलोगे अराइजिंग, और फिफ्थ फॉर्म में आपको अराइजेस हो जाता है। तो देखिए आपने क्या किया कि फिफ्थ फॉर्म में और फोर्थ फॉर्म में बिल्कुल आपको याद, जैसे मैंने बोला गो, तो गो का ही गो वेंट गोन, गो मेन फॉर्म हो गया उसका, बेस फॉर्म है जो कि प्लूरल फॉर्म में है, और जो आप सेकंड फॉर्म देख रहे हो वेंट वो आपका पास्ट हो जाता है, अब गोन थर्ड फॉर्म है और जो गोइंग होगा वो फोर्थ फॉर्म, और गोज होगा जी ओ ई एस। यहां आपने क्या पुट किया, गो के साथ ई एस पुट किया, तो ये आपका क्या हो जाता है फिफ्थ फॉर्म सिंगुलर हो जाता है जब आपने उसमें ई एस या फिर एस का यूज कर दिया। ये हमेशा आपको माइंड में इन बातों को रखना है। तो चलिए अब आगे चलते हैं कि अब आपको कई बच्चों का ये कंफ्यूजन होता है, तो आप एक काम करो जो वर्ब का मैंने क्लासेस कराया है ना इसी पे, तो प्लेलिस्ट में जाओ आप और वर्ब देख लो। वर्ब में आपको मैंने ये समझाया है कि सिंगुलर सब्जेक्ट कौन से हैं, सिंगुलर वर्ब कौन से हैं, वर्ब जो होते हैं कितने टाइप्स के हैं, टू टाइप्स के हैं, तो ऑक्सिलरी वर्ब कौन से हैं, मेन वर्ब कौन से होंगे, वो सारा कुछ मैंने क्लियर किया है। अगर आपको ये चीजें क्लियर नहीं है तो आप प्लीज जाके उन वीडियोज को पहले वॉच कर ले, क्योंकि वो आपको जानना, क्योंकि वर्ब टेंस को समझने के लिए वर्ब के फॉर्म्स आपको पूरी तरीके से क्लियर होना चाहिए। तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं। जो आपका टेंस है, ईच टेंस इज फर्दर डिवाइडेड इनटू फोर पार्ट्स। मैंने आपको पहले बताया कि टोटल 12 टाइप्स होते हैं, और आप घबरा मत जाओ कि हर का मुझे स्ट्रक्चर याद रखना है, नहीं, स्ट्रक्चर याद रखना है, कैसे पहचानना है, सबका यूजेज याद कर, एकदम सिंपल वे में मैं आपको समझाऊंगी, बस आप प्रेजेंट टेंस को समझते जाओ। तो देखिए जो प्रेजेंट टेंस है ना आपका, उसका फोर पार्ट्स है, फिर पास्ट के भी फोर है और फ्यूचर के भी फोर है। तो चलिए सबसे पहले प्रेजेंट से स्टार्ट करते हैं। तो प्रेजेंट में जो है आपका फोर पार्ट्स है, तो सिंपल प्रेजेंट और प्रेजेंट इंडेफिनिट। तो अब देखना, सिंपल प्रेजेंट और मैंने प्रेजेंट इंडेफिनिट बोला, अब इसमें कंफ्यूज नहीं हो जाना। कई सारे बुक्स में आपको देखोगे कि क्या लिखा होता है प्रेजेंट इंडेफिनिट, और प्रेजेंट इंडेफिनिट को ही हम सिंपल प्रेजेंट टेंस के नाम से भी जानते हैं। अब दूसरा है प्रेजेंट इम्परफेक्ट। अब प्रेजेंट कई बुक्स में आप देखोगे कि प्रेजेंट इम्परफेक्ट है, उसी का आप देखोगे कि कई में क्या है कि प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस है। तो आपको बिल्कुल भी कंफ्यूज नहीं होना है, बोथ आर सेम, बस इनका नाम डिफरेंट डिफरेंट है, ठीक है। अब नेक्स्ट होता है आपका, दो बता दिया मैंने क्या क्या, सिंपल प्रेजेंट, उसके बाद सिंपल प्रेजेंट को ही बोलते हैं प्रेजेंट इंडेफिनिट, और प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस, प्रेजेंट इम्परफेक्ट भी उन्हीं को बोलते हैं। तीसरा होगा आपका थर्ड प्रेजेंट परफेक्ट, और फोर्थ है सब पार्ट प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। हो गया आपको याद, सिंपल प्रेजेंट, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट एंड प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस, ठीक है। अब देखिए एक एक बस इन चार का आपको माइंड में रखना है इनकी स्ट्रक्चर्स। तो अब देखो स्ट्रक्चर को भी पूरी तरीके से रट्टा नहीं मारना है, आपको जैसे जैसे आप समझते जाओगे आपको क्लियर होता जाएगा। जैसे प्रेजेंट टेंस समझोगे, प्रेजेंट टेंस आपको एकदम से क्लियर होता जाएगा, और आपको बहुत ही इजीली मैं समझाने वाली हूँ। तो देखिए प्रेजेंट टेंस जो है इसको पहचानेंगे कैसे, ठीक है, और यूज कहां पे करेंगे, सबसे पहले तो पहचानने वाली बातें आती है। तो पहचानने के लिए आपको एक चीज दिमाग में रखना है, देखिए जब भी सिंपल प्रेजेंट टेंस होगा ना, तो सिंपल प्रेजेंट टेंस में कोई भी, सबसे पहली बात आपको याद रखना है कि सेंटेंस जो होता है ना कंप्लीट कब होता है, एक सेंटेंस को कंप्लीट होने के लिए
कितने चीजों की नीड है, क्या ऑब्जेक्ट नीड है? नहीं, दो चीजों की बस नीड है, एक तो आपका सब्जेक्ट, दूसरा आपका वर्ब। ये दोनों होना चाहिए, ये दोनों ही कंप्लीट कर देता है। और कभी कभी आप ट्रांजिटिव इंट्रांजिटिव वर्ब में आप ये सब चीजें में कंफ्यूज मत हो जाना कि कई बार इंट्रांजिटिव ऑब्जेक्ट यूज होते हैं, ये सब भी मैं आपको क्लियर करूंगी। कल जो समझना है टेंस में आपके लिए जो जरूरी है वो समझो क्या है। ये मैंने क्या बोला कि सिंपल प्रेजेंट टेंस, सिंपल प्रेजेंट टेंस का जनरली स्ट्रक्चर क्या होता है, सब्जेक्ट प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, या तो याद रखो, और सेकेंड वर्ब का फिफ्थ फॉर्म। सब्जेक्ट प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म ऑब्लिक वर्ब का फिफ्थ फॉर्म, फिर ऑब्जेक्ट मींस अदर वर्ड। ठीक है, तो अब आपको ये ध्यान रखना है कि किसके साथ वर्ब का फर्स्ट फॉर्म यूज होगा, किसके साथ फिफ्थ फॉर्म। तो ये याद मत रखो कि फिफ्थ फॉर्म फर्स्ट फॉर्म, इतना कंफ्यूज नहीं होना है आपको। ये याद रखना है फर्स्ट फॉर्म, और फर्स्ट फॉर्म में एस या ई एस लगाते हैं, तो किन केस में एस और ई एस लगाएंगे और किस केस में नहीं लगाएंगे, ये माइंड में रखना है आपको। तो सब्जेक्ट मुझे लगता है कि आप सबको क्लियर होगा, फिर भी जिनको नहीं है मैं आप उनको क्लियर कर देती हूँ। देखो जो सब्जेक्ट होता है ना, वो जनरली या तो नाउन होगा या प्रोनाउन होगा आपका। अब नाउन आपको पता होगा कि नेम ऑफ एनी पर्सन प्लेस थिंग्स एनिमल्स, ये सारे क्या होते हैं, नाउन कहलाते हैं, मतलब ऑल द नेमिंग वर्ड्स आर कॉल्ड नाउन। और प्रोनाउन इज यूज्ड एट द प्लेस ऑफ नाउन, जैसे ही सी इट, जैसे गर्ल्स का कोई नाम है तो उसके बदले आप सेंटेंस में सी का यूज करते हो, है ना। बॉयज का नाम है उसके बदले आप ही का यूज करने लग जाते हो, तो ये चीजें है आपका ही सी इट दे यू, ये सारे आपका क्या कहलाता है, ये आपका प्रोनाउन होता है। तो सब्जेक्ट या तो नाउन होगा आपका या फिर प्रोनाउन होगा आपका। तो देखो जो नाउन है आपका नेम ऑफ एनी पर्सन, ये क्लियर है आपको। तो अब किस सब्जेक्ट के साथ आपको क्या यूज करना है, तो सिंगुलर सब्जेक्ट कौन कौन से होंगे, तो देखो ही सी इट या फिर किसी कोई सिंगल नाउन, मतलब सिंगुलर नाउन होगा, सिंगुलर नाउन कंफ्यूज नहीं होना है, सिंगल नेम, चाहे वो पर्सन प्लेस थिंग्स जिस भी चीज का नाम है सिंगल होगा, तो आप उसके साथ वर्ब में एस या फिर अगर ई एस का, जैसे गो के साथ ई एस यूज होता है फिफ्थ फॉर्म में, तो आपको वो यूज करना है। तो देखो मैं बताती हूँ आपको, ही सी इट और कोई सिंगल नाम में के बाद वर्ब में क्या लगेगा, एस और ई एस लगेगा। और आई एक एक्सेप्शन केस है, आप बोलोगे कि आई है तो कंफ्यूज, ये तो सिंगल है, ये भी तो सिंगुलर हुआ, नहीं आई एक एक्सेप्शन केस है। ठीक है, तो आई हो गया, यू हो गया, वी हो गया, दे हो गया, मोर देन नेम ऑफ एनी टू पर्संस, नेम ऑफ टू एनिमल्स, मतलब मोर देन वन चीजें जो होगा वो क्या होगा आपका, वो प्लूरल सब्जेक्ट में काउंट हो जाता है। तो उन सब के साथ आपको वर्ब के साथ एस या ई एस नहीं लगाना है, मतलब कि अगर आपने अब आपको ये तो माइंड में क्लियर हो गया होगा कि सिंपल प्रेजेंट टेंस को पहचानेंगे कैसे, जो कोई सेंटेंस है तो कैसे पहचानेंगे। ठीक है, तो सब्जेक्ट, सब्जेक्ट मैंने क्या बोला, सब्जेक्ट होगा, उसके डायरेक्ट बाद जो है कोई ऑक्सिलरी वर्ब नहीं होगा अफर्मेटिव सेंटेंस में, उसके डायरेक्ट बाद आपका डायरेक्ट मेन वर्ब हो जाता है सब्जेक्ट के बाद। तो जब भी आपको सब्जेक्ट के बाद वर्ब दिखे, ठीक है, तो आप समझ लेना वर्ब में भी कैसा वर्ब, पास्ट का नहीं, सेकेंड फॉर्म वाली नहीं, फर्स्ट फॉर्म दिखनी चाहिए आपको। फर्स्ट फॉर्म होगा जैसे ही, या फिर फिफ्थ फॉर्म, मतलब एस और एस लगा हुआ होगा, तो वो आपका हो जाता है सिंपल प्रेजेंट टेंस, सब्जेक्ट प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, या एस और ई एस प्लस ऑब्जेक्ट। ये इसकी स्ट्रक्चर है, पहचानने का तरीका है, मैंने बोला कि सब्जेक्ट होगा उसके डायरेक्ट बाद वर्ब का बेस फॉर्म होगा। ठीक है, अब चलिए क्लियर करते हैं। अब तो हमने ये पहचान लिया, अब जिन बच्चों के जैसे कैबिनेट सेशंस में उनको पहचानने में प्रॉब्लम हो जाती है कि कौन सा, मतलब हम पहचाने कैसे कि ये सिंपल प्रेजेंट टेंस है, ये प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस है, ये पास्ट है, ये पास्ट इंडेफिनिट है, तो उनके लिए ये चीजें थी। अब होती है क्या कि अब इनकी यूजेस यूज कहाँ कहाँ है, जैसे आपको बोलना है इंग्लिश तो आपको ये पता होना चाहिए कि इनका यूज कहाँ करना है, कहाँ कौन सा टेंस का यूज करना है। तो देखिए क्या है कि सबसे पहले जो आपको ये सिंपल प्रेजेंट टेंस का मैं क्या सिखाऊंगी, यूज सिखाऊंगी, तो सिंपल प्रेजेंट टेंस इज यूज टू एक्सप्रेस द हैबिचुअल एक्शंस, हैबिट्स, मतलब जो आपका हैबिट है, हैबिचुअल एक्शंस है, उसके साथ आप सिंपल प्रेजेंट टेंस का यूज करोगे। जैसे आई गेट अप
एवरी मॉर्निंग एट 6 o'clock, ठीक है। आई गेट अप, मैंने बोला सब्जेक्ट हो गया आई और गेट अप हो गया आपका वर्ब, ठीक है। मतलब आई के साथ मैंने बोला था आई एक एक्सेप्शन केस में, उसमें आपको कंफ्यूज नहीं होना है। आई गेट अप एवरी मॉर्निंग एट 6 o'clock, इज इट क्लियर नाउ। ये मेरा क्या है, एक हैबिचुअल एक्शन है, इसलिए मैंने डायरेक्ट वर्ब के बाद आई के बाद वर्ब का यूज किया, मतलब कि ये सिंपल प्रेजेंट टेंस है, ठीक है। अब आई की जगह अगर मैं सी यूज कर दू तो यही हो जाएगा गेट्स अप, क्यों, क्योंकि सी आया ना अभी, जस्ट मैंने आपको बताया था ही सी इट या कोई सिंगल नाम हो तो उन सब के साथ आपको क्या यूज करना है, एस यूज करना है, जिन वर्ब के साथ एस यूज होगा, जिन वर्ब के साथ ई एस होगा तो उसके साथ ई एस करना है। तो अगर मैंने सी का यूज कर दिया आई की जगह तो क्या होगा, तो होगा सी गेट्स अप एवरी मॉर्निंग एट 6 o'clock, इज इट क्लियर नाउ। दिस इज द हैबिचुअल एक्शंस ऑफ दैट पर्सन, ओके। अब क्या है आपका, आई डू एक्सरसाइज एवरी मॉर्निंग, ये मेरी क्या है, हैबिचुअल एक्शंस है, ठीक है, आपको ये क्लियर हो गया। अब क्या है आपका नेक्स्ट यूजेस क्या है, कि अब और कहां यूज कर सकते हैं, ठीक है, सीख लिए कि हैबिचुअल एक्शंस में करेंगे, क्या यहीं तक इसकी यूजेस है, नहीं। अब देखिए क्या है कि इट इज यूज टू टॉक अबाउट अ जनरल और यूनिवर्सल ट्रूथ, कोई भी यूनिवर्सल ट्रूथ वाली सेंटेंस आपको कहीं भी मिलते होंगे और कहीं भी आपको बोलना भी हो तो वो हमेशा उसके साथ आपको क्या यूज करना है, सिंपल प्रेजेंट टेंस का ही, मतलब प्रेजेंट इनडेफिनिट टेंस का आपको इसके साथ यूज करना है। जैसे मैंने बोला अर्थ रिवॉल्व्स अराउंड द सन, मैंने बोला अर्थ रिवॉल्व्स, अर्थ बोला सब्जेक्ट, रिवॉल्व्स एक ही है ना अर्थ, तो उसके साथ रिवॉल्व्स एस का यूज किया, अर्थ रिवॉल्व्स डायरेक्ट सब्जेक्ट के बाद मैंने वर्ब का यूज कर दिया, ठीक है, उसके बाद फिर अदर वर्ड जो भी है वो यूज किया। नेक्स्ट आप देखो द सन राइजेस इन द ईस्ट, ये एक यूनिवर्सल ट्रूथ है कि सन जो है वो ईस्ट में ही राइज होती है, ठीक है। टू एंड टू मेक्स फोर, टू और टू मिलके क्या बनाते हैं, फोर बनाते हैं, ये यूनिवर्सल ट्रूथ है कि ऐसा ही होता है। तो जब भी यूनिवर्सल ट्रूथ हो उसके साथ आप सिंपल प्रेजेंट टेंस का यूज करेंगे। और नेक्स्ट है इसकी नेक्स्ट यूजेज है, इट इज यूज्ड टू इंडिकेट द फ्यूचर इवेंट विच इज अ पार्ट ऑफ प्लान और अरेंजमेंट, ये ऐसे फ्यूचर इवेंट को इंडिकेट करने के लिए यूज किया जाता है सिंपल प्रेजेंट टेंस का, जो कि प्लान्ड हो, जो कि अरेंज किया हुआ पहले से, ठीक है। ऐसी ऐसी सिचुएशंस में, ऐसी फ्यूचर सिचुएशंस में आपको कैसा यूज करना है, आपको सिंपल प्रेजेंट टेंस का यूज करना है। जैसे द स्कूल्स रीओपन्स नेक्स्ट वीक, स्कूल जो है फिर से खुलेगा नेक्स्ट वीक में, तो स्कूल रीओपन्स, समझ में आया, मतलब सब्जेक्ट उसकी डायरेक्ट बात की, इसका यूज किया, वर्ब का यूज किया। द एग्जामिनेशंस कमेंसेस नेक्स्ट मंथ, ठीक है, एग्जामिनेशंस कमेंसेस, समझ में आया। तो ये चीजें आपके, मुझे लगता है कि ये आपको सिंपल प्रेजेंट टेंस क्लियर हो गया होगा। और नेक्स्ट क्लासेस अब कल करते हैं, और आप नेक्स्ट क्लास करने से पहले इसको, मतलब सिंपल प्रेजेंट टेंस को पूरी तरीके से क्लियर रखना, और मुझे नहीं लगता कि अब प्रॉब्लम होनी चाहिए। इसके बावजूद भी अगर आपको किसी चीज में प्रॉब्लम रह रहा है तो आप हमें कमेंट के सेक्शंस में लिख के बता सकते हैं कि क्या आपको समझ नहीं आया, तो मैं आपको नेक्स्ट क्लास में फिर से उसको क्लियर कर दूंगी, ठीक है। तो चलिए हम नेक्स्ट क्लास कल करते हैं, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर। और चैनल को अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर कर दे, और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें ताकि दूसरों तक भी हमारे वीडियोस पहुंच सके, ठीक है, ओके बाय बाय। और हाँ एक चीज और, कि अगर आपको इसकी पीडीएफ चाहिए, जो भी लेक्चर मैंने दिया तो पीडीएफ चाहिए, तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं, और टेलीग्राम चैनल की जो लिंक है वो आपको कमेंट सेक्शन में प्रोवाइड कर दी जाती है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दी जाती है। और अगर आप टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन नहीं करते तो भी आपको अगर पीडीएफ चाहिए तो आप हमें कह सकते हैं कमेंट में लिख के, तो मैं पीडीएफ की लिंक जो है वो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड करवा दूंगी। चलो ठीक है, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।